नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब काशी के संत शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग का पूजन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि कथित शिवलिंग का 4 जून को जलाभिषेक किया जाएगा। जानकारी के अनुसार शंकराचार्य प्रतिनिधि अभी मुक्तेश्वरानंद की अगुवाई में संत जलाभिषेक करेंगे। हालांकि इस ऐलान के होते ही जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इन्हें ऐसा करने की अनुमति देता है। यूपी की राजधानी लखनऊ 3 जून को आयोजित होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए सज धज कर तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश विदेश के तमाम उद्योगपतियों का जमावड़ा शुक्रवार को राजधानी में रहेगा और इस दौरान 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। योगी सरकार के तीसरे सेरेमनी में 1,406 कंपनियां शामिल हो रही हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 500 करोड़ से अधिक 30 कंपनियां कुल 43,906 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। इसके अलावा 100 से 499 करोड़ रुपए वाली 108 कंपनियां 24,028 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगी। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाने एवं औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने के लिए आगामी 3 जून को लखनऊ में आयोजित होने जा रही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 की तैयारियां जोरों पर हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए उनका शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बृहस्पतिवार को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर अभिनीत फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखी और फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में यह फिल्म कर मुक्त की जाएगी। इस फिल्म का विशेष प्रदर्शन यहां लोक भवन में किया गया था और फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर और निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी मौजूद थे। बता दें कि शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर देहात के दौरे पर आ रहे हैं और तैयारियों का जायजा लेने के लिए कानपुर में रहने की वजह से योगी फिल्म देखने देर से पहुंचे। इस दौरान फिल्म देखने के बाद सीएम योगी ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का घोषणा की है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के गुरुवार को स्पेशल स्क्रीनिंग लखनऊ के लोक भवन में की गई। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ पृथ्वीराज फिल्म देखी और इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट लिखा कि ऐतिहासिक फिल्म देखने के बाद कैबिनेट से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान हालत को भी देखें और इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती है। यूपी की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की 2 दिवसीय लखनऊ यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह 2 दिवसीय कार्यशाला प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित की गई है और जिसमें पहले दिन कांग्रेस के डिजिटल सदस्य अभियान, आगामी नगर निकाय चुनावों, पार्टी संगठन आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। लेकिन अचानक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कार्यक्रम को छोड़कर नई दिल्ली के लिए निकल गई हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि वह नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा को बीच में ही छोड़कर दिल्ली जाने का कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमें कोई आधिकारिक कारण नहीं पता है। हालांकि नव संकल्प कार्यशाला बृहस्पतिवार यानी आज भी जारी है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय सचिव यहाँ है और कार्यशाला चल रही है। प्रियंका जी के कार्यक्रम के अलावा कुछ भी रद्द नहीं हुआ है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में मार्च में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था और 2024 आम चुनावों के लिए पार्टी में नई जान फूंकने की उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। यूपी के रामपुर में कोतवाली बिलासपुर क्षेत्र के कौशलगंज में नैनीताल रोड पर सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष उज्जवल सिंह दीदार उर्फ साबी का अपना पंजाब नाम से होटल था जो कि सरकारी जमीन पर बना हुआ था, जिसको प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया है। और प्रशासन की इस कार्रवाई के बारे में बताते हुए एडिशनल SP संसार सिंह ने बताया कि उज्जवल सिंह दीदार उर्फ साबी बिलासपुर का माफिया है। इनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग जो नैनीताल की ओर जा रहा है उस पर एक होटल अवैध रूप से बना रखा था जिसको पुलिस प्रशासन द्वारा किरा दिया गया है। रामपुर सपा के कद्दावर नेता आजम खान के करीबी और सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष उज्जवल सिंह दीदार उर्फ साबी के होटल पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने होटल को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त करवा दिया। होटल की कीमत 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। सपा नेता उज्जवल साबी ने इसे जिला प्रशासन पहले भी काफी जमीन कब्जा मुक्त करवा चुका है। प्रशासन ने सपा नेता को भी भू माफिया घोषित किया है। गौरतलब है कि यूपी में भू माफिया और अपराधों के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। अलग अलग जिलों में प्रशासन का बुलडोजर लगातार गरज रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से टीकाकरण को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस लक्ष्य के करीब प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जून माह की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश ने टीकाकरण में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, जिसके तहत यूपी के 15 करोड़ लोगों को टीके का कवच पूरी तरह से मिल चुका है। यूपी पहला ऐसा राज्य है जिसमें 15 करोड़ लोगों को दोनों डोज इतने कम समय में दी जा चुकी है। सबसे अधिक आबादी वाले राज्य ने अब तक लोगों को 32.76 करोड़ से अधिक डोज दे दिए हैं। राज्य ने योग्य व्यस्त आबादी के 100% को वैक्सीन कोई पहली खुराक भी देती है और राज्य में 92% से अधिक आबादी को पूरी तरह से टीके की डोज लग चुकी है। बता दें कि 32 करोड़ खुराक देने वाला यूपी जल्द ही 33 करोड़ टीके की डोज देने वाला पहला राज्य होगा। 444 की रणनीति के तहत यूपी ने कम समय में न सिर्फ संक्रमण पर काबू पाया बल्कि कोरोना के नए वेरियंट के प्रसार को भी रोकने में सक्षम रहा। अग्रेसिव टेस्टिंग, ट्रेसिंग, त्वरित ट्रीटमेंट और तेज टीकाकरण की नीति के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं, जिसके चलते यूपी के कोविड प्रबंधन की आज विभिन्न वैश्विक संस्थाएं सराहना कर रही हैं। प्रदेशवासियों को अतिरिक्त सुरक्षा कवच देने के उद्देश्य से योगी सरकार ने 10 जनवरी से बूस्टर शॉट देना शुरू किया था। राज्य में अब तक लगभग 31.52 लाख बूस्टर डोज दी जा चुकी है। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार समयबद्ध तरीके से 12 से 17 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को टीकाकरण कवर प्रदान कर रही है। राज्य में अब तक 15 से 17 आयु वर्ग के बच्चों को 2,45,92,596 से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है और 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को 1,02,11,117 से अधिक टीके की खुराक लग चुकी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।